अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? हम मना कर चुके ठीक ठाक। ये छोटा सा ये क्या कर रहे हैं जिन है चॉकलेट का, ये इतना इतना काम किया हुआ है ना। ये आज मैडम मेरी घर आई है, उसने खिलौने छिलौने ओ हो पूरे हाल में ऐसे ऐसे फेंक गया ना इसने। और हरीम फातिमा और उमर फातिमा अभी आई हरीम फातिमा स्कूल से, और कहती है कि मम्मा मुझे ना बॉयल चावल जैसे खिचड़ी टाइप होते वो बना के दो। तो पहले इनके लिए बनाए हैं मैंने पकौड़े, और जो पकौड़े थे ना मैंने ऐसे ही रखे हैं प्लेट में, पकौड़े रख चुकी हूँ। तो इस मैडम ने ना जी है मैडम ने ना इसके अंदर पानी डाल दिया था, तो फिर मैंने उनको अभी इसके ऊपर सेक रही हैं, मैंने कहा खुश कर जाते हैं। तो फिर इनके लिए खाने के लिए मुझे थोड़े से और बना देती हूँ, अब चावलों को लगाती हूँ एकदम। और हमें तो ना पता ही नहीं चलता कि ना हमारा रोज़ा है कि नहीं, सारा दिन बस किचन में काम में चीज़ सिमेटन में ये यहाँ भी गुजर जाता है हमारा। तो बस ये कोशिश थी, अब जैसे अभी अजानी होगी तो हरीफ आप नमाज पढ़ी है, तो हम बस फिर फ्री होकर नमाज़ पढ़ के इसके बाद फिर चीज़ें वगैरह समेटने जल्दी जल्दी से फिर कुरान पाक पढ़ते हैं और चावलों को दम लगा कर फिर इनको दोनों को खिलाती हूँ बच्चियों को। और आप लोग सुनाओ, आप लोग के कैसे रोज़े गुजर रहे हैं यार? रोज़ों में तो सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर दो ना। और हाँ जी, हरी फातिमा को मैंने चेक करा है, हरमी फैल कहती है मामा हल्का सा नमक कम है। और जो है मेरी उमर फातिमा है ना, उसको मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो खाती भी नहीं है, मैं भी बहुत कम खाती हूँ, तो वो इसके लिए शिमला मिर्च भी मैंने आधी सीटा दी है। और जो है बस अभी हमारे हो गया रेडी, और हरी फातिमा का हुआ है नमाज पढ़ ली है। तो अम्मी फातिमा कह रही है मामा मुझे मुझे ना सब याद कराओ मस्जिद का। हाँ जी बताओ, आज फिर हम कोई छोटे बड़े समोसे रोल उनकी तरह फिर कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बनाए थे। तो जो है हमारी सासू माँ उनको बहुत पसंद आए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आज फिर बनाएं, क्योंकि आज हमने अफ्तारी में चाट बनाई है और फ्रूट चाट और पकोड़े और रोटी सालन तो हम साथ बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि सारा जो है वो सहरी में काम आ जाता है, और अफ्तारी के टाइम हम लोग जो है ना थोड़ी सी दो तीन रोटियाँ बना देते हैं, और साथ उसके साथ ही ना हम लोग तो चाट फ्रूट चाट खाई और थोड़ी सी रोटी खा ली। और जो है ये आज बनाते हैं, अमर फातिमा साथ तंग कर रही हैं। मटर जो है उनको मैच नहीं किया, क्योंकि वो आलू के साथ जैसे हम करेंगे तो ये हो रहे, मैं और भाभी जो हैं दोनों कर रही हैं किचन में काम, क्योंकि पहले हम लोगों ने वो किया। तो अभी जो है पकौड़े भी बना रही थी, तो हम लोगों का ये जो हम बनाते हैं फिर, और पहले जो है आटा गूंदा और फिर ये कर रहे हैं मिक्स, और उसके अंदर डालते हैं अब नमक मिर्ची, और मैं तो थोड़े से अलग फिर निकालूँगी अपनी। मेरा तो ये इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें बनाते हैं तो रोज़ा रखो होते, तो उसकी जब पहले हम बनाते इतना दिल करता है कि खाएं खाएं, लेकिन रमज़ान के बाद हम फिर ना हमसे इतना ये तरद्दुद होता है कि यह हम जिस इस तरह की कोई चीज़ें बनाएं खाएं। मेरे ख्याल में रमज़ान के बाद अमर फातिमा और रहीम के लिए तो मैं वो तो फ्रूट चाट बनाती रहती हूँ, लेकिन वैसे बहुत मुश्किल होता है, हमने ना बहुत कम ही बनाते हैं। और फ्रूट चाट तो फिर भी बनती रहती है, लेकिन जो हम दही बल्ले बनाते हैं और चना चाट या जितना हम ना रमज़ान में हम लोग तैयारी करते हैं, वैसे नॉर्मल रूटीन में बहुत कम वो इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि हमने रोटी भी बनाई सालन भी बनाया ये सारी चीज़ें बनाई, तो उस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हम फिर बनाएं। और ये बस खाते पीते हैं, बस रमज़ान की बरकत है, तो फिर हम इतना रोज़ा रख के सारी चीज़ें बना लेते हैं। ये जी हम लोगों ने मसाला इसके अंदर मिक्स किया, और मैंने अलग से ना अपने लिए थोड़ा सा मसाला निकालना है मैं अपने लिए और अमर फातिमा के लिए खरीद, तो भी कुछ कुछ खाती रहती बीच में बच्चे। और इसमें मटर आलू और नमक डाली, मिर्च डाली, और उसके अंदर मेथी जो साबुत मेथी थी वो डाली उसके अंदर, और चाट मसाला, बस ये इन्ग्रीडियंट्स थे। और अब हम लोगों ने बनाई है पेड़ा, और बनाते हैं रोटी, और उसके बाद में समोसे बनाते हैं, फैंसी समोसा, सादा समोसा नहीं, जब हम फैंसी समोसा बना रहे हैं। और उसके बाद रोल, ट्विस्टर, जो आई शेप जो हमारे सामने आई, जो हम लोगों ने वीडियोस देखी या जैसे भी हमारे सामने आई, हम पहले बनाते हैं तो फिर वही बनाते हैं। लेकिन अक्सर पता है क्या हो जाते हैं, हम ना जब मैदी की रोटी ना बीच में हम लोग ना आदमी आराम आराम से बना रहे हैं, ताकि जो हमारे ना ट्विस्टर की ख़राब ना हो जाए। और पहले हम लोगों ने कहा कि इस पर अंडा लगाते हैं, तो अंडा भी लगाएंगे तो उसकी जो फीलिंग है वो हो जाएगी ख़राब, तो फिर हम लोगों ने मैदा जो था ना वही इस पर लगे। देखा ना मेरा कितना परफेक्ट बना है समोसा, तो फैंसी समोसा।
और फिर हम लोगों ने जो था ना मैदा, वही हमने ना इस पर तो मैंने नहीं लगाया, जो वो जो रोल है ना ट्विस्टर उस पर हम लोगों ने लगाया। तो आप लोग भी बता दीजिएगा कि उनके हर कोई अपने अपने नाम रखते हैं कहते हैं, तो हमने यही नाम रख दिया इसको, जो भी अब डिज़ाइन के आप बनाए। तो इस पर हम लोगों ने मैदा लगाया, डिज़ाइन जो था शेप उसकी तो फील हो रही है, लेकिन अगर अब कोई चीज़ इसके ऊपर ना लगाएं तो जो मसाला होता है वो निकल जाता है, ये खुल जाते हैं, और अंडा लगाओ तो फिर सारे बेचारे छुप जाते हैं। और अमर फातिमा जो है वो हमारे साथ हेल्प कर रही है, तंग कर रही है, मैं बनाती हूँ मैं बनाती हूँ, मैं तो इतनी बड़ी हो गई। मैंने कहा चल मेरे बेटा तुम ही थोड़े से साथ बना दो फिर। और इसका मैंने कहा कि अब रोज़ा अब खुलने वाला है, तो इसको मैं ना पका के ना रोटी और इसके फिर काट के ना इसको, फिर बाद में इसके समोसे वो आइसक्रीम जो थी ना आइस क्यूब उस तरह के बना के फिर रख देती हूँ बाद में। और ये जी आज का हुआ था हमारा मेन्यू, और आज का विलाका यही पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे, दुआ में याद रखना, और बताइएगा कि हमारा विलाका को कैसा लगा, कमेंट्स लाजमी प्लीज़ 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 रमज़ान में तो सब्सक्राइब कर दें।